इंसानों में कोरोना आने के बाद ये वायरस जानवरों में भी फैलने लगा। अप्रैल 2020 में हांगकांग में एक डॉगी और बेल्जियम में एक बिल्ली कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। ये सबसे शुरुआती मामले थे जब जानवरों में कोविड-19 का वायरस मिला था। अब अमेरिका से जो खबर आई है वो इससे आगे की है। अमेरिका में 3 करोड़ की तादाद वाले एक जानवर में कोरोना वायरस पाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पेंगोलिन, चमगादड़, बिच्छू, ऊदबिला और न जाने किन किन जानवरों से कोरोना वायरस का कनेक्शन जुड़ा। कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज सामने हैं, लेकिन अब जो खबर अमेरिका से आई है वो बेहद सनसनीखेज है। नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच अमेरिका में हिरन की कई प्रजाति के सैंपल लिए गए। पाया गया कि सफेद पूंछ वाले हिरन के करीब 80% नमूने SARS-CoV-2 से संक्रमित है। SARS-CoV-2 ही वो वायरस है जो कोरोना का कारण बनता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तरी अमेरिका की एक रिसर्च कहती है कि सफेद पूंछ वाले हिरन से कई दूसरे जानवरों को कोरोना का वायरस फैला है और इनमें संक्रमण का लेवल बहुत हाई था। साइंटिस्ट को यह भी शक है कि सफेद पूंछ वाले हिरन में यह वायरस इंसानों से आया है। कनाडा से दक्षिण अमेरिका तक सफेद पूंछ वाले हिरन फैले हैं। सिर्फ अमेरिका में ही इनकी तादाद 3 करोड़ है। बायोलॉजिस्ट की चिंता ये कि कहीं हिरन से इंसानों में वायरस न फैलने लगे, क्योंकि ये हिरन कोरोना के भंडार बन चुके हैं। जानवरों और कोरोना से जुड़ी ये खबर सिंगापुर से भी सामने आई। सिंगापुर के चिड़ियाघर में 4 एशियाई शेरों में कोरोना का संक्रमण पाया गया। जांच के बाद ये बात पता चली कि उन शेरों में संक्रमण चिड़ियाघर के कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने से हुआ था। अभी सभी शेर स्वस्थ हैं और सामान्य दिनों की तरह खा पी रहे हैं। अभी इन शेरों को आइसोलेट कर दिया गया और इनके हेल्थ रिपोर्ट पर बारीक नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।